अवार्ड विभिन्न क्षेत्र में पारदर्शिता लाभ कर व्यक्ति मानक मिली बहुत खुशी कथा से मिल हो मत बहुत खुशी लगुच्छे मुझे धन्यवाद देवी से ऑर्गेनाइजेशन को जो विभिन्न क्षेत्र में लोक मान टे आग को बढ़ेबारे यहाँ गोटे निश्चित भाव में प्रेरणा जोगेब आने जो भाई भाव आज सुंदर आरेंजमेंट कर कृतज्ञता एवं धन्यवाद जनाऊे और समस्त को मु आज ईद्र शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊे एक्चुअली यहाँ गोटे हूँ कलिंग एक्सिलेन्स अवार्ड बड़ ड्रीम थी आम भुवनेश्वर पर एमती प्रोग्राम करूँ कलिंग मेट्रो समस्त को सबू क्षेत्र में जो मैंने पारदर्शिता मानते लिभाई से मैंने अवार्ड में सम्मानित करूँ यहाँ मोर मुख्य उद्देश्य था सत्वे आम एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन को टे रोकवाई प्लांटेशन हो एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम हो ये सब प्रोग्राम करूँ आपण मानक निहाती आवश्यक आपण मैंने आसी एत बड़ कवर करमको बहुत खुशी लगुच बहुत बहुत धन्यवाद कैटेगरी कह गर हेल्थ सेक्टर में अच्छी हेल्थ सेक्टर में दि जाइए द्वितीय दि जाइए आर्ट एंड कल्चर दि जाइए समाजसेवी हिसाब से सोशल वर्कर कैटेगरी दि जाइए एजुकेशन सेक्टर एजुकेशनल मान को दि जाइए एवं सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एस एस जी ग्रुप मेम्बर मैंने को दि जाइए एवं आर्टिस्ट जो आगधाड़ी ओडिया इंडस्ट्री आर्टिस्ट अच्छा से मैं दिखाई किसी लिरीसीस्ट को दिखाई किसी नुआ नुआ रईट कर रईटर मान को दि जाइए सबू क्षेत्र में पारदर्शिता लाभ कर समस्त आम तो प्रथम थर एमतीका प्रोग्राम करूर्व दुई थर करते ये बड़ा हाइलाइट ही ना कि प्रथम थर ये करूँ आम चाहूँ जदि आम द्वारा किसी भूल कि त्रुटि होता आप संशोधन करदे और आम आग को एमती बहुत भल प्रोग्राम कर सहयोग आम एकांत काम्य आम यहाँ गोटे कलिंग एक्सिलेन्स अवार्ड करूँ ये अवार्ड में आम विभिन्न कैटेगरी लोक अवार्ड सम्मानित करूँ हेल्थ सेक्टर हेल्थ रो एजुकेशन डिपार्टमेंट तापर आपणकर सोशल वर्कर विभिन्न क्षेत्र आगधाड़ी लोक मैं सम्मानित करूँ आहुरी प्रेरणा दूचे काम आहुरी करूँ समाज में आहुरी सेवा करूँ यहीपर तक एक प्रोत्साहन करने समाज विकास परिषद एक पदक्षेप नहीं फल कम को अगर पाखे देखे पार्छू आम आहुरी प्रोत्साहित करूँ आम पखापाखि आज दे मैंने सिलेक्टेड 40 रु 45 जन का अवार्ड देचु एथेर मुख्य अतिथि थिले मेयर मैडम रे थिले प्रसन्न पाटसाणी आ चितात्मिका खटुआ मैडम थिले।